हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मोदी समर्थक हो, यानी कि मोदी जी के फेवर में हो, अच्छी बात है। आप अगर मोदी जी के विरोध में हो तो भी अच्छी बात है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का, रखने का हक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हम लोगों को मिला हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान के अनुसार, और ये संविधान हर किताब से बड़ी किताब है हमारे देश के लिए। धार्मिक ग्रंथों से भी बड़ी है, क्योंकि देश की प्रशासन व्यवस्था इसी से चलती है। अब आप बोलोगे कि क्या मैं भीम आर्मी का कोई सदस्य हूं? नहीं, हम सभी को संविधान के नियम के अनुसार चलना चाहिए। तो फिलहाल अब बोलोगे ये सब ज्ञान की बातें क्यों कर रहे हो? आपको सारा संदर्भ समझ में आएगा, ये बातें क्यों कही जा रही है, और मोदी समर्थक में या मोदी विरोध वाली बात मैंने क्यों कही थी, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, अटल आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती आई है। तब आप बोलोगे इसमें बुरी बात क्या है? अच्छी बात है, बीजेपी सरकार वैकेंसी ला रही है तो अच्छी बात है ना। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा। आप इस वीडियो को अगर आप यूपी से, झारखंड से, बिहार से देख रहे हो या किसी भी स्टेट से देख रहे हो, नीचे कमेंट करके ना, आप एक बार नीचे कमेंट करके लिखना आप किस राज्य से और किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, और आपकी क्या राय है? अगर आप मुझसे डिसएग्री करते हो तो नीचे कमेंट में आप नो लिख देना, अगर आप एग्री करते हो तो यस लिख देना, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी बात से कौन कौन एग्री करता है और कौन कौन डिसएग्री करता है। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी एक अटल आवासीय योजना है, जिसमें क्या किया जाएगा, आपसे निशुल्क आवेदन लेकर आपको टीचर बनाया जाएगा, 62,000 रुपए सैलरी आपको दी जाएगी, एग्जाम भी नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी जो है मेरिट बेस पे आपको शिक्षक रख लिया जाएगा। अब बोलोगे कि भैया बुरी बात इसमें क्या है वो तो बता दो। ठीक है, अब मैं बुरी बात शुरू करता हूं। यहां से देखो, ये पीडीएफ देखो ओपन हो चुका है। अटल बिहारी विद्यालय रिक्रूटमेंट, द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स विल बी 20 अक्टूबर 2023। ठीक है, आपने ये पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। अब देखिए, अटल आवासीय जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें क्या गड़बड़ियां हैं वो आप यहां से देख सकते हो। देखिए, ऑनलाइन करने का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको यहां से मिलेगा, upbocw.in, यहां से देख लीजिए, यहां से भी आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और खुद से गूगल पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब वैकेंसी देखिए किस किस पोस्ट की आई हुई है वो देख लो आप। सब्जेक्ट जो है आपका फर्स्ट ईयर के लिए, देखिए सब्जेक्ट वाइज लिस्ट फॉर द रिक्वायर्ड टीचर एज पर स्कूल फॉर द फर्स्ट ईयर, साइंस, इंग्लिश, PET यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट है, आर्ट एंड क्राफ्ट TGT की रिक्रूटमेंट है, और म्यूजिक टीचर TGT की, कंप्यूटर और GK टीचर TGT की रिक्रूटमेंट आई है। GK टीचर पहली बार में सुन रहा हूं, खैर अच्छी बात है कि कुछ नई चीजें यहां पे होनी चाहिए। अब देखो, सारा जो मैंने आपको वो भूमिका बांध कर बताई थी ना, वो भूमिका आपको समझ में आएगी मैंने क्यों वो बांधी थी भूमिका मोदी जी के बारे में। देखिए यहां पे, एज मस्ट नॉट बी मोर देन 65, 65 से ज्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ओनली रिटायर्ड टीचर फ्रॉम नवोदया सैनिक स्कूल, KBS, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश पब्लिक स्कूल कैन अप्लाई। अब मुझे बताओ, अब मैं जो बातें आपको बोल रहा था ना कि ये चीजें मैं सरकार के विरोध में क्यों हूं, अब बताओ मुझे, इतनी बेरोजगारी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, आप जो है यहां से पुराने टीचरों को जो रिटायर कर चुके हैं उन्हें यहां पे आप भर्ती में शामिल कर रहे हो? नए बच्चे क्या पकौड़ा तलेंगे? जिन्होंने BTC BEd की डिग्री ली है वो जाकर क्या करेंगे? अपने डिग्रियों में आग लगा दें या फिर पकौड़ा तल लें या फिर चाय बनाकर बेच लें? यह भी तो एक रोजगार ही है सरकार के अकॉर्डिंग। या फिर फ्री राशन के लिए लाइन में लग जाओ। अब आप बोलोगे कि भैया तुम तो मोदी विरोधी हो, कांग्रेसी हो गए, असुद्दीन ओवैसी के समर्थक हो गए। नहीं, मैं आपका ही सपोर्टर हूं, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूं। आप जय श्री राम के नारे लगाते हो, जय बीजेपी तय बीजेपी बोलते हो, योगी आएंगे, मोदी आएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मोदी आएंगे और ये चीजें लाएंगे तो भैया आपका नुकसान होगा। हिंदू खतरे में जाएगा कि मुसलमान खतरे में जाएगा? इंसान खतरे में जाएगा यहाँ पे। इन लोगों की जो नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, KBS, मानता हूं अच्छे टीचर होंगे, एक्सपीरियंस टीचर होंगे, बट एनर्जी लेवल जो एक नए यंग लड़के या लड़कियों में होगी, वो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस ये दे पाएंगे क्या? एक्सपीरियंस तो दे देंगे ये, लेकिन जो एनर्जी लेवल चाहिए होगा ये 60-62 के बूढ़े दे पाएंगे क्या? मैं सीधा सीधा बिल्कुल आसान भाषा में बोल रहा हूं। आप बोलोगे कि आपकी जवान खराब है, मैं बिल्कुल बुढ़ा ही बोलूंगा, 62 साल का कोई जवान होता नहीं है। आज के टाइम में BP, ब्लड प्रेशर के अलावा शुगर वाली बीमारियां, हजार तरह की घुटने में प्रॉब्लम, और ये टीचर कैसे पढ़ाएंगे स्कूल में, आप मुझे ये बताओ। आप अपने घर के आसपास देखना, 100 में से 3 या 4 ही आपके 60 प्लस वाले जो बुड्ढे हैं वो आपको फिट नजर आएंगे। तो ये स्कूलों में पढ़ाएंगे क्या?
जो 30+ है, जिन्होंने बीएड, बीटीसी, सीटेट सब नौकरियां निकालकर, जो सब एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है, यूपी टेट, एमपी टेट वगैरह निकालकर ये बैठे, ये कहाँ जाएंगे? इनके बारे में तो सोचो जरा आप, इनके बारे में कौन सोचेगा? आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? यंग लोगों को आप देखो, मैं मानता हूं आप सैलरी भी देखो कितनी दे रहे हो, 62,000 दे रहे हो। मैं कहता हूं आप 30,000 ही दे दो सैलरी, कॉन्ट्रेक्चुअल में ही बच्चों को रख लो, परमानेंट छोड़ो, कॉन्ट्रेक्चुअल में ही रख लो इन बच्चों को। लेकिन वो भी आप नहीं कर रहे हो, 62,000 आप बूढ़ों को दे रहे हो, लेकिन 30,000 आपको यंग बच्चों को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है क्या? आप दो टीचर रख लो, दो टीचर रख लो 60,000 में, 62,000 में, उससे भी कम पड़ेगा आपको। लेकिन नहीं, आप तो अपनी रवानगी में जिए जाओगे। अच्छी बात है, एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे, मैं एग्री करता हूं, और उनके पास बहुत विजन होगा, लेकिन एनर्जी लेवल कहां से लाएंगे? ये बातें हैं। देखिए कहां कहां स्कूल आपके यूपी में खुलेगा, ये देख लो, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, आगरा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर नगर, झांसी में ललितपुर है, चित्रकूट में बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको ये स्कूल दिखाई पड़ेंगे, ठीक है? और कौन कौन से स्कूल में जो है एड्रेस वगैरह इन्होंने सब कुछ दे रखा है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा। अगर आपके आसपास आपके दादाजी या फिर पापा अगर रिटायर्ड टीचर होने वाले हैं, बूढ़े होने वाले हैं, सीधी सीधी मैं बात बोलूंगा, आपके घर में भी ये जो है टीचर हो सकते हैं, लेकिन ये बूढ़े कितने अच्छे से स्कूल में पढ़ा पाएंगे, आई रियली डोंट नो। नए टैलेंट को मौका देने में सरकार के पसीने क्यों छूटते हैं? इन्हें पता है, इन्हें अगर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल पे रख लूं तो ये सैलरी बढ़ाने की बात करेंगे। अजीब बात है ना, 10 साल तक ये क्या पुराने सैलरी पे ही बढ़ाते रहेंगे? महंगाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सरकार इन चीजों से बचना चाहती है और पुराने बूढ़े लोगों को यहां पे शामिल करना चाहती है। तो क्या आप सभी पकौड़ा तलने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाय बेचने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करके आप फिर से एक बार, जहां से भी वीडियो को देख रहे हैं, यूपी, एमपी, झारखंड, मध्य प्रदेश से, नीचे कमेंट करके बताइएगा, हाँ मैं चाय बेचने के लिए तैयार हूं, जय श्री राम का नारा लगाऊंगा, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा और चुनाव उन्हें ही जिताऊंगा। मैं फिर से बता दूं, कांग्रेस ने भी जो है लोगों का बंटाधार किया है, बीजेपी ने भी बंटाधार किया है, लेकिन सरकार में जो पावर में रहेगा उसी के खिलाफ बातें कही जाएगी। यहाँ पे राहुल गांधी आकर इन चीजों को नहीं ठीक कर सकते हैं, सेम विथ योगी आदित्यनाथ के बारे में है, वो इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, उनसे सवाल पूछा जाएगा, राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो पावर में नहीं है। अगर ये कोई और राज्य सरकार अगर निर्णय लेती राजस्थान में, तो मैं कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता, और अगर झारखंड में होता तो जेएमएम यानी कि हेमंत सोरेन के खिलाफ आवाज उठाता। लेकिन यहाँ पे यूपी में सरकार किसकी है? मोदी जी की सरकार है, मोदी जी एक्चुअली केंद्र में सरकार है, और यहाँ पे उन्हीं की पार्टी की सरकार है जो कि योगी आदित्यनाथ है। अगर दोनों मिलकर चाहें तो इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। फिलहाल नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर लिखिएगा, आप लोगों की राय बहुत मायने रखती है, क्योंकि युवा वर्ग जिसे वोट देगा वो चुनाव जीतेगा, और ऐसे इलेक्शन अगर होंगे तो आप कहाँ जाओगे सोचकर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं जो मैं आपके साथ साझा कर सकूं, और थंबनेल इतना अट्रैक्टिव इसलिए बनाया था ताकि आप सच्चाई रियलिटी को जान सको, समझ सको, और नेताओं के जो सच्चे वाले चेहरे हैं, काला नकाब के नीचे जो असली चेहरा है वो मैं आपको दिखा सकूं। वीडियो को आपने यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जो है आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा खुद से, और जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बताई है उसे भी विजिट करके आप चीजों को देख सकते हो। वीडियो को आपने यहां तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।